क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन यहाँ पूछ रहा है कि सेक ए इंटू में कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी इज इक्वल टू, इसमें से किसके इक्वल होगा। तो सिंपल है, सेक ए दिया है, यहां देखिए ये फॉर्मूला है, कॉस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी। अच्छा, बी प्लस सी के जगह पे हम लोग पाई माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, सेक ए इंटू में कॉस पाई माइनस का ए, तो कॉस पाई माइनस ए जो होगा, कॉस पाई माइनस ए माइनस का कॉस ए होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और एक्स एक्सिस पे है तो दोनों चेंज, तो माइनस सेक ए इंटू हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, तो सेक ए इंटू कॉस ए वन होता है, यानी माइनस वन, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर